हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जो है बारे में आज पूरे दिन क्या फील कर रहे थे, यानी कि आपके लिए क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं और पूरे दिन की हम बात करेंगे, यानी कि सुबह से लेकर अभी तक जिस वक्त आपको ये रीडिंग मिलेगी, है ना, उस वक्त के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे, यानी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस को हम आज के इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। एंड ये भी आप सबको बता दूं कि देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी क्लियर वे में मैं बताती हूँ, जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो आप लोग जो है बता सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या अच्छा लगा आपको, कैसे कैसे अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, तो वो चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर आज सुबह से लेकर अभी तक क्या सोच विचार कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे इनके बारे में, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, सुबह से लेकर अभी तक वो क्या फील कर रहे थे? वाओ, द लवर्स का कार्ड है, वेरी नाइस। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, एट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, मेरे पास है नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड। सुबह से लेकर अभी तक वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। यह है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। क्या है मेरे पास? जस्टिस की एनर्जी। ओके, यह है मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पहले साइन बता देती हूँ, है ना, पहले साइन ही बता देती हूँ। तो साइन मेरे पास है जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऐसे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है एंड मैजिशियन है, तो सारे एलिमेंट्स एंड सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास। बात करते हैं कार्ड्स की, तो कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह से लेकर अभी तक क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। तो आज सुबह से लेकर अभी तक की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर को आज बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही थी, बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपकी बातों को लेकर के काफ़ी गहराई से ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आप में ही इनकी दुनिया बसती है, या आप में ही ये पर्सन रहना चाहते हैं, आप में ही ये पर्सन गुम रहना चाहते हैं। आपको लेकर के ये पर्सन इतना पॉजिटिव फील करते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन हद से ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए इनके अंदर वो भाव है, वो प्रेम है, वो प्रेम संबंध आपके पार्टनर आपसे बनाना चाहते हैं।
मुझे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसी भी वाइब दिख रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अट्रैक्शन होता है आपके पार्टनर को। ठीक है, आज सुबह से लेकर अभी तक मैं देखूँ तो आपके पार्टनर जो है दोपहर में 12 से 2 बजे के करीब में ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, बहुत परेशान, बहुत उदास, क्योंकि उस समय आपकी याद बहुत आ रही थी। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उसी समय अपना कोई पिक्चर अपलोड किया था या स्टेटस लगाया था, है ना, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, है ना, फेसबुक पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं आपने अपलोड किया और इस पर्सन ने आपको देखा। एंड जब ये पर्सन ने आपको देखा तो आपका एक अलग सा जो नूर है, आपका जो एक अलग सा जो चेहरा है आपके पार्टनर को दिखा। उसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी में दिख रहे थे, काफ़ी जो है ऐसा दिख रहे थे जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं एंड इस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे जैसे कि तुम्हारा आना ना आना मेरी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता है। कुछ इस तरीके की स्ट्रेंथ पावर आपके पार्टनर को फील हुई आपके पिक के थ्रू। ठीक है, या कोई टेक्स्ट आपने डाला था स्टेटस में, है ना, कुछ लोग डालते हैं ना अपने थॉट्स, है ना, तो वो चीज़ें आपने डाली थी और आपके पार्टनर उसको देख करके काफ़ी मायूस हो गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे कि क्या ये सच है कि ऐसा भी हो सकता है, मेरा पार्टनर इतना बदल सकता है, इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बदल सकता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा 2 बजे तक तो ये पर्सन बहुत परेशान थे। ये पर्सन ने सोच लिया कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, कोई बात नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई बात नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आया हूं, ठीक है, मैं अपने आप में आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये पर्सन जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे आपके पार्टनर के थॉट में बदलाव आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर ने आज पूरे दिन में एकदम से पूरे तरीके से मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को ये भी फील हुआ है कि यार इतना ज़्यादा जो है जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा जो इशू मैं फेस कर रहा हूँ, है ना, वो क्यों है, इन्होंने ही तो वो बाउंड्री क्रिएट की है, इन्होंने ही तो वो सेपरेशन बनाया है आपके साथ अपना, इन्होंने ही तो आपके साथ अपने लाइफ को जो है बदलने का जो है सोचा था, लेकिन क्या हुआ, ये पीछे रह गए और आप आगे निकल गए। तो यहाँ पे गलती तो इनकी निकल के आ रही है। तो ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की वाइब ऐसी दिख रही है मुझे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ भी होता हुआ क्लियरली दिख रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर ना दिख रहा है मुझे जैसे कि ये पर्सन अब अकेले हो गए हैं। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस हमेशा, मतलब मैं हमेशा से अकेला हूँ और अकेला रह गया हूँ, ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर लगभग 4 बजे के करीब में काफ़ी 4 से 5 बजे के करीब में काफ़ी उदास थे, काफ़ी ज़्यादा उदास थे। ये पर्सन सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा अकेले बैठे हुए थे, कहीं ये पर्सन कहीं किसी गार्डन में बैठे हुए थे या कहीं किसी जो है कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे आपकी याद से रिलेटेड कुछ है, है ना, तो वहाँ पे आपके पार्टनर जब बैठे तो ये पर्सन काफ़ी सोच विचार कर रहे थे कि इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ पाया है, क्या कुछ खोया है। ये पर्सन की फीलिंग्स दिख रही हैं, ये पर्सन बहुत उदास, बहुत परेशान, अंदर से जैसे कि मन घबराता हुआ दिख रहा है, अंदर से घबराहट बहुत हो रही थी आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को लग रहा था कि यार मैं क्यों आज इस तरीके की सिचुएशन में कैसे आके फंस गया, क्यों आके फंस गया, क्या है इसका रीज़न। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, रिग्रेट फील कर रहे थे कि जो भी आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं या जितना भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं ना, वो सब इस पर्सन की वजह से हुई हैं, सब के सब इस पर्सन की वजह से हुई हैं। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि ये पर्सन किसी को जो है ब्लेम करे या ये पर्सन जो है किसी की खुशियों में जो है आग लगाए, ये पर्सन ऐसे नहीं है। ये पर्सन ने तो प्यार किया था आपसे, ये पर्सन ने तो प्यार किया है आपसे, अभी भी प्यार है,
आपके पार्टनर की वाइब, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि यस, आपके पार्टनर को प्यार है आपसे। प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस, प्यार वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे जब आप दोनों एक दूजे के साथ रहेंगे, जब आप दोनों एक दूजे के पास रहेंगे, एक दूजे के करीब रहेंगे और एक दूजे को बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली सपोर्ट करेंगे। देखिए, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार वाली इमोशंस वाली फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। देखिए, ये पर्सन को सबसे अच्छी बात है कि इस पर्सन को समय रहते रियलाइजेशन हो गया है। ठीक है, ये पर्सन आज सुबह से लेकर अभी तक मैं देखूँ तो सारी चीज़ें अपने रिलेशनशिप में पहले क्या हुआ, अब क्या सिचुएशन है और आगे क्या हो सकता है, इस पर्सन को काफ़ी अच्छे तरीके से रियलाइज़ हुआ है। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ करके है ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, अपनी सिचुएशन को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं और अपनी सिचुएशन को मैनेज करके ही ये पर्सन आगे कुछ कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर कुछ शाम दाम दंडे भेद है ना कुछ भी ये पर्सन अपना सकते हैं इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन को अपने भाग्य के ऊपर भरोसा तो है, अपने जो भी है अपने गुरुओं के ऊपर या अपने भाग्य के ऊपर भरोसा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता ना, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस मुझे काफ़ी क्लियरली दिखते हैं कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि न ये जो है ना जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगा। आपके पार्टनर की ये खुद की एनर्जी है कि ये पर्सन ऐसे होने नहीं देंगे, यानी कि अपने आप से आपको दूर नहीं जाने देंगे, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे आपके पार्टनर की। और ये पर्सन आपके पार्टनर जो है ना जो प्यार इन्होंने खो दिया है, जो भरोसा आपका इन्होंने खो दिया है, वो प्यार वो भरोसा आपके पार्टनर जो है आपका पाना चाहते हैं और ये पा के रहेंगे ये पर्सन पा के रहेंगे उस प्यार को, उस भरोसे को, है ना, ये पर्सन पा के रहेंगे आपको, ये पर्सन एकदम जीत के ही मानेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए, मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी देख ली, अब मैं एक बार आपकी एनर्जी को चेक कर लेती हूँ। आपके लिए ओनली 5 कार्ड्स निकालूंगी जो कि आपके दिन भर की एनर्जी रहेगी, दिन भर की फीलिंग्स रहेंगी, आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि रिलीज ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है भी कि नहीं है। ठीक है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, जस्ट अ मिनट, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। यहाँ है मेरे पास 7 of Cups। मेरे व्यूवर्स क्या सोच विचार कर रहे थे, टेम्परेंस की एनर्जी आज सुबह से लेकर अभी तक क्या सोच विचार था इनका, 6 of Swords। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। 7 of Wands। ओके, यहाँ है मेरे पास 8 of Swords का कार्ड। तो ये आपके कार्ड्स हैं, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 5 of Wands। देखो, आपके जो कार्ड्स हैं ना मुझे काफ़ी क्लियर बताते हैं, क्या बताते हैं, तो आपके कार्ड्स मुझे काफ़ी क्लियर बताते हैं कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, आज बहुत कन्फ्यूज़न में थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में रहना है या मूव ऑन कर जाना है, आपको ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 of Swords है, आपके पार्टनर ने आपको दुखी कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया है। ज़ख्मी करने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ इस तरीके से ट्रीट किया है या इस तरीके से अपने दिल की बात या मन की बात बताई थी कि आपका जो है ना आपका जो ट्रस्ट है ना वो टूट गया है, अब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करने को रेडी नहीं होंगे, अब आपका ट्रस्ट किसी और के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपका जो रिश्ता है ना ये
कहना तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना ऐसा लगता है जैसे कि समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए या क्या ना किया जाए। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है, देखिए बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है अभी तक इस रिश्ते में। अभी तक आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इस रिश्ते के लिए, अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं इस रिश्ते के लिए। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्यों ये मेरे साथ ही क्यों होता है या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ऐसा मानना है, आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में है ना थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ना मतलब प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा रियलाइज़ होता हुआ दिख रहा है कि हाँ इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी या आपके पार्टनर की फीलिंग्स को मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को फील होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि यस आपके पार्टनर को जो कहते हैं ना कि आपके पार्टनर को जो एहसास है, आपके पार्टनर को जो एहसास हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एहसास जो है ना अनएक्सपेक्टेड वाला एहसास है। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड है। और कहें तो आपके इस रिश्ते को लेकर के मैं आपके पार्टनर को देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी जो होता है ना कि हाँ देखो आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी अलग है आपकी एनर्जी से। आपके पार्टनर माइंड लगा रहे हैं कि इस रिश्ते को है ना सही तरीके से लेके जाना है, लेकिन अब आपका माइंड क्या हो रहा है, अब आपका माइंड हो रहा है कि अगर ये रिश्ता सही नहीं हो पा रहा है तो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि आपने बहुत टफ टाइम देख लिया है इस रिश्ते में, बहुत टफ टाइम देख लिया है, और अब आपको एहसास हो चुका है कि ये जो टफ टाइम है ना, ये जो टफ टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस ये जो टफ़ टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो टफ़ टाइम है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है या ये दिखा रहा है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में है ये। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं ये अनएक्सपेक्टेड है। एंड ऐसा लगता है जैसे कि रिश्ता है तो रिश्ते में जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या जो होना चाहिए है ना, वो रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको सही वे में गाइड नहीं कर रहे हैं या सही वे में बता नहीं रहे हैं इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आपने बहुत पेशेंस के साथ आपने अपने आप को कंटिन्यू किया या बहुत पेशेंस के साथ आपने अपने आप को रखा है ना, तो बहुत चीज़ें दिख रही हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत ज़्यादा ही पेशेंस रखा। आपने इंतज़ार इतना किया है कि इतना इंतज़ार करना आसान नहीं है। आपने इनका इनके साथ जो है अपना बहुत बुरा टाइम देखा है ना, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एकदम बहुत बुरा टाइम आपका रहा है इनके साथ। आपने रियलाइज़ किया है या आपने देखा है कि इन्होंने किस तरीके से आपको ट्रीट किया है या किस तरीके से आपको ऐसे ऐसे देखा है, मतलब एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड वे में हो रहा है ये चीज़ें है ना। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके कार्ड्स में। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी फील होता है कि आपका आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है ना, देखिए ये कनेक्शन बनेगा आगे जा कर के अगर देखा जाए तो। पॉजिटिविटी अगर दोनों तरफ से रही, पूरा इक्वल गिव एंड टेक अगर दोनों तरफ से रहा, दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ज़्यादा ही इस रिश्ते में देना समझते हैं या इक्वल गिव एंड टेक करके इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न ज़रूर बनी हुई है कि आपको इस रिश्ते में रहना है या मूव ऑन कर जाना है, क्योंकि ये रिश्ते में कहीं ना कहीं आप हीलिंग की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। खुद को हील करोगे या नहीं कर पाओगे ये एनर्जी फील कर पा रहे हो आप। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या संभव है या नहीं है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, अगर है तो संभव है तो आप वेट कर लेना, नहीं तो फिर मूव ऑन कर जाना है ना। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके टू ऑफ वांड्स
नाइन ऑफ कप्स. ओके, द फूल की एनर्जी है. बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स. वाओ, क्या बात है. सीधा सीधा डिवाइन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा देती हूँ. आपको समझना होगा, आपको टाइम देना होगा. यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दीजिए. डिवाइन का ऐसा कहना है कि यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दो. ठीक है, ना मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ, ना कोई और बोल सकता है. तो डिवाइन के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दो. सब कुछ सरेंडर करने की अभी ज़रूरत है. कुछ भी अपने तरफ से करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, डिवाइन की तरफ सब कुछ सरेंडर कर दो और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करो कि जो आपने मांगा था अभी तक आपको वो मिला नहीं है. जो आपने ईश्वर से प्रार्थना करा था, जो आपने ईश्वर से बोला था कि मुझे ये चाहिए, ये पर्सन चाहिए, तो अभी तक वो पर्सन आपको मिला नहीं है. उसके लिए आपको ट्राई करना होगा. आप इनसे बोलो, मतलब ईश्वर से बोलो कि जो मुझे आपने कहने का, मतलब देने का बोला था, या मैंने आपसे जो मांगा वो अभी तक आपने नहीं दिया, आप जल्दी से जल्दी दीजिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है. अभी आपके जो रिचुअल्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं. ठीक है, टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपका आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी के अनुसार से आपका आपके पार्टनर के साथ जो भी कनेक्शन है, ठीक है, ये टाइम लेगा. यानी कि अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. अगर अभी तक अभी आप इंतज़ार करना चाहते हो तो अभी भी 2 साल इंतज़ार करने पड़ सकते हैं किसी किसी को फरवरी तक इंतज़ार करना पड़ सकता है इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए. ठीक है, तो नंबर 2 की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आई है. तो नंबर 2 यानी कि आपके रिश्ते में 2 की एनर्जी ज़्यादा है. यानी कि अगर आपके मोबाइल नंबर में 222 है तो आप ओवर इमोशनल हैं, ओवर पॉजेसिव हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है. ठीक है, सो यस, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है आपके कार्ड्स में. तो चलिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में. रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं. एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल लेना, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर. मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.